नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। यूक्रेन क्राइसिस पर कभी भी बारूद सुलग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो एंग्री पुतिन पीछे हटने को तैयार हैं और ना ही सुपर पावर अमेरिका। यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी सेनाएं डटी हैं। बेलारूस के साथ पुतिन आर्मी महाजंग का रिहर्सल कर रही है। हालात बेहद नाजुक हैं, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ऐसे में सुपर पावर अमेरिका एक्शन मोड में आ गया है। रूस को बैकफुट पर लाने की तैयारी अमेरिका कर चुका है। यूक्रेन पर रूस को सरेंडर कराने के लिए अमेरिका ने सबसे विध्वंसक बेड़े को ब्लू वॉर जोन में उतार दिया है। अमेरिका के इस फ्लीट से टकराने की हिम्मत दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। किसी भी मुल्क की सेना समंदर के उस महायोद्धा के आगे नहीं टिक सकती। आखिर वो कौन है जिसके नीले लहरों पर दस्तक देते ही रूस के होश उड़ गए, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। गरजती तोपें, बारूद उगलते फाइटर प्लेन, नीले समंदर में उठती बारूदी सुनामी, महाजंग की रिहर्सल दुनिया का कलेजा कपा रही है। रूस वॉर मोड में है। यूक्रेन महाजंग की तैयारी मुकम्मल कर चुका है। वक्त के घूमते पहिए के साथ विध्वंसक जंग का खतरा और बढ़ रहा है। संकट गहरा है। बारूदी सनक बेहद डरावनी है। यूक्रेन के फ्रंट लाइन पर बसे शहरों में रूसी आर्मी वॉर ड्रिल कर रही है। नाटो का दावा है कि यूक्रेन बॉर्डर पर खतरा अभी टला नहीं। रूस ने सेनाएं वापस बुलाने का दावा किया था, लेकिन ऐसा है नहीं। नाटो की नजर रूस की हर हरकत पर है। बॉर्डर से आर्मी डिप्लॉयमेंट हटने का कोई सबूत नाटो को नहीं मिला है। उधर रूस अपनी कथनी से अलग बैटलफील्ड में उतरा है। महायुद्ध की आहट के बीच रूस और बेलारूस ने जॉइंट वॉर एक्सरसाइज की। बैटलफील्ड में रूस बेलारूस की आर्मी ने बेहिसाब बम बरसाए। ब्रेसेट के करीब ये मिलिट्री ड्रिल हुई, जिसमें टारगेट पर सटीक वार और विध्वंसक हथियारों की दोनों मुल्कों की आर्मी ने जंग की रिहर्सल की। इस वक्त यूक्रेन में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं। यहां से कुछ दूर बॉर्डर पर रूसी सेना का बड़ा मूवमेंट है। रूस की चौथी डिवीजन के टैंक बैटलफील्ड में पहुंच चुके हैं। जिस वक्त रूस यूक्रेन को धौंस दिखा रहा है, उसी वक्त यूक्रेन से 15,000 किलोमीटर दूर अमेरिकी नौसेना का सबसे विध्वंसक 7th फ्लीट सुपर एक्टिव हो चुका है। यूक्रेन से 15,049 मील के फासले पर वेस्टर्न प्रशांत महासागर में बड़ी हलचल है। नीले समंदर की लहरों को चीरते बम गोले से समंदर के पाताल को हिलाती ये अमेरिकी नेवी की पावर का नमूना भर है। अमेरिकी नेवी के समुद्री लड़ाके ब्लू वॉर जोन में उतर चुके हैं। वजह है यूक्रेन क्राइसिस, वजह है यूक्रेन पर एंग्री पुतिन का वॉर जुनून, वजह है रूसी आर्मी की बारूदी सनक, जिसका ट्रेलर वॉर ड्रिल में दिखाई दे रहा है। तनाव बड़ा है। जंग के फितूर में रूस कुछ भी कर सकता है। महाजंग का पैनिक बटन रूस किसी भी वक्त दबा सकता है। रूस की इस हनक की, रूस के इस वॉर शो की वजह बड़ी है। एंग्री पुतिन क्रीमिया, जॉर्जिया और मावदोवा की तरह यूक्रेन पर कब्जा चाहते हैं। इसी मकसद से रूसी आर्मी ने यूक्रेन को तीन तरफा घेर रखा है। यूक्रेन के बॉर्डर पर रूस लगातार आर्मी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। ब्लैक सी से बेलारूस तक, क्रीमिया से मालदोवा तक, येलेनिया बॉर्डर से रोसो तक पुतिन की ब्रिगेड पूरी तरह से तैयार है। इंतजार है तो सिर्फ मास्को से पुतिन के एक ऑर्डर का।
यूक्रेन से रूस 28 गुना ज्यादा बड़ा है। रूस की ताकत यूक्रेन से कहीं ज्यादा है। हालांकि यूक्रेन के पीछे 30 देशों का संगठन नेटो और साथ में सुपर पावर अमेरिका खड़ा है। रूस के तेवर वक्त के साथ और बारूदी होते जा रहे हैं। रूस कभी भी किसी भी वक्त यूक्रेन पर बड़ा एक्शन ले सकता है। ऐसे में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने सबसे विध्वंसक सबसे खतरनाक फ्लीट को वॉर मूवमेंट का ऑर्डर दे दिया है, जिस बेड़े का नाम सुनते ही दुश्मनों की जमीन खिसक जाती है। अमेरिका का वही विशालकाय 7वां बेड़ा वॉर मोड में आ गया है। रूस की वॉर ड्रिल, बेलारूस की जंगी तैयारियों के बीच वेस्टर्न प्रशांत महासागर में यूएस नेवी का 7वां बेड़ा अग्नि वर्षा कर रहा है। महाजंग की आहट के बीच अमेरिकी जंगी बेड़े ने समंदर की लहरों पर फॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। यूएस नेवी का 7th फ्लीट नरसंहार के हर वेपन से लैस है। अमेरिका का सबसे विध्वंसक 7वां बेड़ा ही आधी दुनिया को दहलाने के लिए काफी है। अमेरिका का ये 7वां बेड़ा 15 मार्च 1943 को अस्तित्व में आया था। अब तक कई जंगों में 7वें बेड़े ने अमेरिका की जीत पक्की की है। वर्ल्ड वॉर टू में जापान की बर्बादी के पीछे की वजह भी अमेरिका का 7वां बेड़ा ही था। 1943 में जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में झुलस रही थी, उसी दौर में अमेरिका का 7वां बेड़ा वजूद में आया। 15 मार्च 1943 को अमेरिकी नेवी के तत्कालीन एडमिरल आर्थर एच चिप्स के दिमाग से 7वें बेड़े की उपज हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान और वियतनाम जैसे मुल्कों की चूल्हे अमेरिका ने इसी 7वें बेड़े से हिलाई थी। यूक्रेन क्राइसिस के बीच यूएस नेवी के 7th फ्लीट यानी 7वां बेड़ा सुपर एक्टिव हो चुका है। इसके एक्टिव होने के मायने बड़े। यूएस नेवी के 7वें बेड़े का जंगे मैदान में उतरना बड़ी टक्कर का सिग्नल माना जा रहा है। यानी अब तक जिन दो शक्तिशाली देशों में कोल्ड वॉर होती रही थी, इस बार वो यूक्रेन संकट पर आर पार की जंग के लिए तैयार है, वो भी ब्लू बैटल ग्राउंड में। आखिर अमेरिका के 7th फ्लीट में ऐसा क्या है जिसके चलते दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है? खौफ की वजह बड़ी है। वजह यह कि सुपर पावर अमेरिका की ये सुपर फ्लीट अकेले नहीं चलती है, उसके साथ में पूरे लड़ाकों की फौज चलती है, जो पलक झपकते ही बड़े से बड़े दुश्मन देश का नामो निशान भी मिटा सकती है। यकीन मानिए, गहरे समंदर से लेकर आसमान तक ये फ्लीट ऐसा सुरक्षा घेरा बनाती है जिसे भेद पाने की कुव्वत किसी भी देश की नौसेना और वायुसेना में नहीं है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। अमेरिकी नेवी के 7th फ्लीट अग्रिम तैनाती वाला बेड़ा है। 7वीं फ्लीट में करीब 70 वॉरशिप और सबमरीन शामिल है। यूएस नेवी के इस बेड़े में करीब 300 लड़ाकू विमान शामिल है। हर वक्त 7th फ्लीट पर 40,000 मरीन कमांडो तैनात रहते हैं। यूएस नेवी के फ्लीट इंडो पैसिफिक रीजन में एक्टिव रहती है। 7वें बेड़े का इलाका 124 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। अमेरिका के 7वें बेड़े के हलचल ऐसे ही दुनिया को नहीं डरा रही। इस बेड़े में करीब 150 फाइटर प्लेन शामिल हैं, जो एटमी वेपन से लैस रहते हैं। अमेरिका की क्रूज मिसाइल हो या न्यूक्लियर मिसाइल, ऐसा कोई हथियार नहीं जो 7वें बेड़े में शामिल ना हो। 7वें बेड़े के संचालन के क्षेत्र में 36 समुद्री देश शामिल हैं, जिनमें दुनिया की 50% आबादी बसती है। यूएस नेवी की 7th फ्लीट हमेशा वॉर चेंजर रही। 7वें बेड़े ने कोरिया युद्ध के साथ ही वियतनाम युद्ध और खाड़ी युद्ध में अमेरिका का दबदबा कायम रखा। साल 1971 में भारत पाकिस्तान जंग में अमेरिका ने इसी जंगी बेड़े को पाकिस्तान की मदद के लिए भेजा था। हालांकि उस वक्त 7वां बेड़ा रूस की वजह से एक्शन में नहीं आया। ऐसे में यूक्रेन क्राइसिस के दौरान अमेरिका के 7वें बेड़े का एक्टिव होना क्या सिग्नल देता है, इस पर एक्सपर्ट्स के अपने तर्क हैं। फ्लीट में कैरियर बैटल ग्रुप होते हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, विमान पोत, और उसके साथ एक बैटल ग्रुप होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है, और 8-10 जहाज़ों का होता है। उसमें कभी कभी एक परमाणु पनडुब्बी भी होती है। तो वो डिपेंड करता है कि किस मिशन के लिए जा रहे हैं, तो कितने जहाज उसके साथ सेल करेंगे।
अमेरिकी नौसेना का सबसे ताकतवर सातवां बेड़ा प्रशांत महासागर का सिकंदर है। इससे पहले अमेरिका ने अपनी सेवंथ फ्लीट को साउथ चाइना सी में तैनात कर रखा था। वजह थी ताइवान स्ट्रेट, जिसे टकराने के लिए ड्रैगन ने अपनी नेवी को दक्षिण चीन सागर में तैनात कर रखा था। लिहाजा सुपर पावर अमेरिका ने कौन डाओ आइलैंड से सेवंथ फ्लीट को ताइवान स्ट्रेट की तरफ रवाना किया। कौन डाओ दक्षिण चीन सागर में मौजूद वियतनाम का इलाका है। पिछले कई महीनों से सातवें बेड़े ने ताइवान स्ट्रेट में अपनी पकड़ बना रखी थी, लेकिन अब यूक्रेन क्राइसिस के चलते अमेरिका को बड़ा फैसला लेना पड़ा। यूक्रेन संकट के बीच अमेरिका ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक बेड़े को एक्टिव कर दिया है। दुनिया के अलग अलग समुद्री इलाके में तैनात सेवंथ फ्लीट के वॉरशिप और सबमरीन ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। अमेरिका की पावर का सबसे बड़ा सबूत है सेवंथ फ्लीट। समंदर के सीने पर अमेरिकी सेना का चलता फिरता आर्मी बेस है सातवां बेड़ा, जहां बम, गोला बारूद और मिसाइलों के साथ साथ विध्वंसकों की पूरी फौज है। यानी जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर अमेरिका के सातवें बेड़े से किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। इतना ही नहीं, यूएस नेवी के सेवंथ फ्लीट में एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर्स और मिसाइलों की पूरी खेप मौजूद रहती है। रूस की जंगी हनक, एंग्री पुतिन की वॉर सनक के बीच बाइडेन का मास्टर स्ट्रोक है सातवां बेड़ा। जिस वक्त यूक्रेन की सीमा पर रूस बारूद सुलगा रहा है, ठीक उस वक्त अगर सुपर पावर अमेरिका ने सेवंथ फ्लीट से वॉर का भोपू बजाया तो अंजाम क्या होगा, कितना विध्वंसक होगा। क्या रूसी नेवी में इतनी कुवत है कि वो अमेरिकी नेवी के सातवें बेड़े को रोक पाए। क्या रूस के जंगी खाने में ऐसे लड़ाके हैं जो सेवंथ फ्लीट के सामने टिक पाए। अमेरिका ने समंदर में अपने सातवें बेड़े के जरिए चीन को सख्त संदेश देने की तैयारी उस वक्त की थी जब चीन लगातार साउथ चाइना सी में अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहा था। साउथ चाइना सी में अमेरिकी रोनाल्ड रीगन पर नाकाम मिसाइलें अटैक करता था, येलो सी में अपनी ताकत दिखा रहा था। ऐसे में यूक्रेन क्राइसिस के बीच अमेरिका ने अपने उस सातवें बेड़े का घोड़ा खोल दिया है, जिसने अब तक अमेरिका को हर युद्ध में जीत दिलाई है। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने नौसेना का सातवां बेड़ा बनाया था। कोरियन युद्ध में इसी सातवें बेड़े ने दुश्मन पर जीत दिलाई थी। वियतनाम वॉर में अमेरिका के सातवें बेड़े का अहम योगदान था। 90 के दशक में गल्फ वॉर में भी अमेरिका के सातवें बेड़े ने कमाल दिखाया था। अमेरिकी नेवी के सातवें बेड़े की ताकत ही है जो दुश्मन के पसीने छुटाती है। इस अमेरिका के ताकतवर बेड़े से रूस का पहले भी सामना हो चुका है। साल 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए सेवंथ फ्लीट को वॉर जोन में उतारा था। 8 से 9 दिसंबर 1971 ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद 8-9 दिसंबर को ऑपरेशन पायथन हुआ, जिसमें भारत के मिसाइल जहाजों ने फिर से कराची बंदरगाह पर हमला किया। इसमें पाकिस्तान के रिजर्व फ्यूल को नष्ट किया गया और उसके तीनों मर्चेंट शिप डूब गए। पाकिस्तानी नौसेना हेडक्वार्टर तहस नहस कर दिया गया। कराची पोर्ट कई दिनों तक चलता रहा। लड़ाई के 4 दिनों में भारत की कई जीत हुई, लेकिन जंग अभी बाकी थी। इस जंग में अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में था और मसला यूएस में चला गया। हार की कगार पर खड़े पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए सातवां जंगी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। ये सबसे शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा था। 1971 में रूस ने भारत की मदद के लिए प्रशांत महासागर में तैनात अपने जंगी बेड़े को हिंद महासागर में भेजा था। इस बेड़े को 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप कहा जाता था। इसमें न्यूक्लियर पनडुब्बी और जंगी जहाज शामिल थे और इसका मकसद अमेरिकी बेड़े को भारत तक पहुंचने से रोकना था। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।